2022 की समाप्ति और 2023 यानी कल 2023 हो जाएगा, जिसको लेकर बिहार पुलिस ने भी तैयारियां कर ली है। यह तैयारियां कुछ और नहीं, यह तैयारियां ट्रैफिक नियमों में बदलाव को लेकर है। जी हाँ बिल्कुल, बिहार सरकार यानी मुख्यालय ने इसका ब्यूरो मांगा था कि कई ऐसे जिले हैं जहां घटनाओं की संख्या ज़्यादा होती है, यानी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी ज़्यादा होती है, जिसको लेकर रोडवेज को देखते हुए बिहार सरकार ने जिलों से रिपोर्ट मांगी है और जहाँ सबसे ज़्यादा वाहन दुर्घटना होती है वहाँ का लिस्ट मांगा गया है और एक नया थाने को स्थापित किया जाएगा, यानी नए ट्रैफिक व्यवस्था बनाया जाएगा और तमाम कवायद शुरू हो जाएंगे। नए साल को लेकर प्लानिंग शुरू होते ही ट्रैफिक पुलिस भी व्यवस्था में लग गई है और लगातार उसको लेकर कवायद शुरू कर दिया है, तो आने वाले साल में वाहन चालक संभल जाए और रहे होशियार, क्योंकि नए साल में नए तेवर के साथ ट्रैफिक पुलिस देखने वाली है, जिसको लेकर अनुशंसा जारी कर दी गई है। मुख्यालय लिस्ट के अनुसार वो तमाम लिस्ट को भी मांगा गया है, जिसको लेकर तमाम वो कवायद शुरू किया जाएगा। उसके एवज में ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय से लेकर ट्रैफिक एसपी और ट्रैफिक विधि व्यवस्था से लेकर जिस तरीके से जो रूट प्लान बनाया जा रहा है, जो ट्रैफिक नियमों को लेकर जो प्लानिंग की जा रही है, तो नए साल में कहीं ना कहीं नए ट्रैफिक नियमों में बदलाव को लेकर अब ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। क्योंकि बिहार में कई ऐसे जिलों से खबरें आती है कि सड़क दुर्घटना में मौत की घटना सबसे ज़्यादा आती है बिहार में, जिसको लेकर एक नए ट्रैफिक कानून व्यवस्था को बनाया जाएगा और अगर उस अधिनियम का पालन लोग नहीं करते हैं तो उनका चालान भी काटा जा सकता है। यानी रोडवेज की घटना को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली है कि किस तरीके से रोडवेज की घटनाओं को रोका जाए, जिस तरीके से रोड पर एक्सीडेंट होते हैं उन तमाम कवायदों को लेकर एक नया ट्रैफिक व्यवस्था का बनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा रिपोर्ट भी मांगा गया, उस रिपोर्ट के अनुसार जिले के तमाम ऐसे जगह होंगे जहाँ सड़क दुर्घटना ज़्यादा देखते हुए एक नए ट्रैफिक थाना का स्थापना किया जाएगा, उसके बाद कवायद शुरू कर दी जाएगी। अब वाहन चलाने वाले सतर्क हो जाए, हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट लगा के चले, क्योंकि नए साल में ट्रैफिक व्यवस्था का नया नियम आते ही लोगों को पड़ सकता है भारी।